राजधानी पटना के एक होटल में 6 इंजीनियरों के लिए शराब पीना काफी महंगा पड़ा, तो उन्हें शराब पिलाना होटल वाले को भी महंगा पड़ा। सभी इंजीनियरों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन होटल के कमरे पर भी पुलिस ने ताला लगा दिया। शराबबंदी पर समीक्षा बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में है, इस कारण पुलिस भी अब इसके लिए पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। ऐसे में 2 दिनों से लगातार राजधानी में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राजधानी के विभिन्न इलाकों में शराब की बरामदगी और गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को होटल फॉर्च्यून में 6 इंजीनियरों को शराब पीते गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मद्य निषेध विभाग ने भी तुरंत कार्रवाई की। मद्य निषेध विभाग के आदेश पर पुलिस ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र के होटल फॉर्च्यून के कमरे में ताला लगा दिया है। होटल में शराब लेके लोग पहुंचे होते, इसकी जानकारी नहीं थी सर? नहीं, हम लोग को जानकारी, नो अल्कोहल भी लिखा हुआ है, फिर भी आने जाने वालों को आप लोग सर्च करते हैं? वो लोग सर बैग वैग में सब सामान लेके आते हैं, तो प्रत्येक कस्टमर को तो चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो भी बैग बड़ा बड़ा सूटकेस लेके आया था, अभी खाली किया तो गया। तो आपका होटल सील हो रहा है, कमरा सील हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर? इसमें हमारी कोई मतलब भागीदारी नहीं, इसमें हम लोग कोई इन्वॉल्व नहीं है, कोई मेरा स्टाफ भी नहीं इन्वॉल्व है, हम लोग भी इन्वॉल्व नहीं है। अब कस्टमर लोग इस तरह का करते हैं, उनको पता भी है कि हाँ शराब पीना मना है, फिर भी किसी तरह छुपा के ले आते हैं, हम लोग से बिना जानकारी के बैठ के पी रहे थे। पुलिस अब होटल और कमरे सील कर रही है जी, क्या कहेंगे सर? प्रशासन का जो कार्रवाई हो रहा है उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। किन का है ये होटल? होटल श्याम बाबू। श्याम बाबू कहाँ के हैं? लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।